अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन, नेवर मिसिंग अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टुडे आई मेक दिस स्वीट एंड टेस्टी चॉकलेट गनेश, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बटर 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, कोको पाउडर 60 ग्राम्स, मिल्क 1 कप, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, शुगर 100 ग्राम्स, सॉल्ट 1 पिंच। तो फिर इंतज़ार किस बात का है, चलिए बनाते हैं। एक पैन लें, उसमें 60 ग्राम्स कोको पाउडर ऐड कर दें। देन ऐड 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया। ऐड शुगर 100 ग्राम्स, अब इसे मिक्स कर लें। स्पून यूज़ नहीं करना, आपने विस्क यूज़ करना है। अब इसमें 1 कप मिल्क ऐड करें थोड़ा थोड़ा करके। देन अगेन विस्क इट, आपने थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करते जाना है और इसे विस्क करते जाना है। इसे आपने इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई लंप भी बाकी ना रहे। नाउ यू कैन सी दैट कि ये अच्छी तरह से विस्क हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसे विस्क करेंगे, साथ साथ इसे कुक करेंगे एटलीस्ट 10 मिनट तक। अब हमने इसे 10 मिनट तक कुक कर लिया है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बटर, देन अगेन इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस, देन अगेन इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, चॉकलेट गनेश रेडी है। अब हम इसे किसी बाउल में या किसी जार में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, आप इसे केक पर लगाएं, शेक में यूज़ कीजिए, कपकेक बनाएं, डोनट बनाएं, जो भी मीठी चीज़ बनाएं आप उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त सा चॉकलेट गनेश रेडी है। यम्मी। सो आप सबने आज की वीडियो में देख ही लिया कि चॉकलेट गनेश घर पर बनाना कितना आसान है। मेरी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आप सब पर अपना करम करे, आमीन सुम्मा आमीन। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Click the bell icon, never missing update.